गाइस यूट्यूब पर जब भी कोई नया क्रिएटर आता है तो वो अपने चैनल को ग्रो करना चाहता है और बड़े क्रिएटर्स की वीडियो देखता है। अब बड़े क्रिएटर्स आपको सजेशन देते हैं कि आप गूगल एड्स का यूज करें, तो वहां पर दिक्कत ये होती है कि जब भी हम किसी क्रिएटर की वीडियो देखते हैं तो वो दिखाता है कि हमारा जो CPV होता है, मतलब जो कॉस्ट पर व्यू होता है, वो 0.2 पैसा या फिर 0.10 पैसा जाता है। और जब हम अपना कैंपेन लगाते हैं तो हम देखते हैं हमारा जो CPV होता है वो बहुत ज्यादा जाता है, वो 1 रुपये पर व्यू या फिर 2 रुपये पर व्यू जाता है। तो देखिए, हमारे पास इतना रुपया तो है नहीं कि हम गूगल एड्स में इन्वेस्ट कर सके। हमारा बजट सिर्फ 10 रुपया फिर 20 रुपया है। हमें 10 रुपये में 50 सब्सक्राइबर और 10 रुपये में 100 व्यूज चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं कि अगर आपके पास बजट बहुत कम है, आप चाहते हो कि सिर्फ 10 रुपये में 20 रुपये में हमारा चैनल ग्रो होता रहे, तो वीडियो आज आप कंप्लीट देखते रहे। 100% ट्रिक बहुत ही काम वाली है, आपके चैनल को ग्रो करने वाली है मात्र 10 से 20 रुपये में। तो वीडियो आज आप कंप्लीट देखते रहे, वीडियो स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे आना है। अब यहां पर आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और आपको टाइप करना है गूगल एड्स। गूगल एड्स आपको लिखना है और यहां सर्च कर लेना है। अब सर्च करते हैं, आप देखेंगे आपको फर्स्ट नंबर पे गूगल एड्स की ऑफिशियल साइट आपको देखने को मिल जाती है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ऊपर कहा जाता है कि अगर यहाँ पर आप 20,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकी तरफ से 20,000 का फ्री क्रेडिट मिलता है, जिससे आप अपनी वीडियोस या फिर किसी चीज़ का भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पर 20,000 इन्वेस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास इतना रुपये नहीं है, हमारे पास इतना बजट नहीं है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर 10-20 रुपये में 100 से 200 सब्सक्राइबर चाहिए। तो सिंपली हमें क्या, यहां पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। अब अगर आपका गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आप किसी भी क्रिएटर की वीडियो देखकर अपना गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना कुछ भी नहीं, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो ऊपर आप देखेंगे आपको ओवरव्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते यहां पर आप देखेंगे आपको अपना एक कैंपेन बनाने के लिए ऊपर न्यू कैंपेन का एक बटन दिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपसे कहा जाता है कि आपको अपना एक गोल सेलेक्ट कर लेना है, तो इसमें से आपको किसी भी गोल को सेलेक्ट नहीं करना है। आपको सबसे लास्ट में देखने को मिल रहा है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, आपको इस पर क्लिक करना है। और आप नीचे यहां पर देखेंगे कि आप किस चीज का कैंपेन लगाना चाहते हैं, तो फिलहाल हम अपनी वीडियो का कैंपेन लगाना चाहते हैं तो हम वीडियो पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि ये आपको अपना एक ऑप्शन देखने को मिलता है कस्टम वीडियो कैंपेन पर, तो अगर ये इस पर नहीं होता है तो आपको इस पर ही क्लिक रहने देना है और नीचे आपको आना है। तो आप देखेंगे यहां पर कंटिन्यू का एक बटन दिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको सभी चीजों को फिलअप करना पड़ता है, तो मैं आपको सभी चीजों को फिलअप करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बताऊंगा कैसे आप कम CPV में ज्यादा व्यूज पा सकते हैं। तो अभी यहां पर देखिए कुछ क्रिएटर आपसे ये भी बोलेंगे कि आपको यहां पर मैक्सिमम जैसे CPV है, तो आप वो बोलेंगे कि आपको यहां पर टारगेट CPM रखना है, तो याद रखें आपको मैक्सिमम CPV ही रखना है। नीचे यहां पर वो अगर आपको डेट बजट एंड डेट में बोलते हैं कि आपको डेली का रखना है, तो आपको डेली का नहीं रखना है, आपको सिर्फ कैंपेन टोटल ही रखना है। और अगर यहां पर आप 10 रुपये रखना चाहें तो आपको 10 रुपये भी आप रख सकते हैं। उसके बाद जो स्टार्ट डेट है, तो आप याद रखें स्टार्ट और एंड डेट जो होनी चाहिए उसका या फिर 8 से 10 दिन का ही गैप होना चाहिए, ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए। अगर आपका बजट ज़्यादा है तब आप ज़्यादा दिन का रख सकते हैं, अदरवाइज आपको ज़्यादा दिन का नहीं रखना है। थोड़ा नीचे यहाँ पर आप आएंगे तो एक चीज़ याद रखें, नेटवर्क में आपको इसे अनटिक कर देना होगा। अगर कोई आपसे कहता है इसे टिक रखें तो मत करिएगा। और अगर आप लोकेशन में देखेंगे जैसे इंडिया है, तो आपको इंडिया रखना है, लैंग्वेज आपको अपनी हिंदी रखना है। और नीचे यहाँ पर आप आएंगे रिलेटेड वीडियो पे आप क्लिक करेंगे, तो याद रखें आपको कोई भी रिलेटेड वीडियो नहीं रखना है, इससे आपका CPV हाई हो सकता है। एडिशनल सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, डिवाइस पे आपको क्लिक करना है। और एक बात याद रखें, यहाँ पर आपको सभी चीज़ों को अनटिक कर देना है और आपको सिर्फ मोबाइल को टिक रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने मोबाइल को टिक रखा हुआ है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी पे आपको आना है। और याद रखें अगर कोई यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने को नहीं बताता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको दोनों में 1 और इसमें भी आपको 1 रख देना है, ठीक है। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे तो आपका CPV कोई कम होने वाला नहीं है, वो मैं आपको अभी लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपका कम होने वाला है, बट इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके लिए आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो दे सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझा देगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। एक चीज़ याद रखें, आपसे कोई अगर क्रिएटर ये कहता है कि आपको ऑडियंस सेगमेंट मतलब ऑडियंस को सेलेक्ट करना है, तो एक बात याद रखें
ऑडियंस मत सेलेक्ट करिएगा। अगर आप ऑडियंस सेलेक्ट करोगे 100% कहता हूँ भाई सीपीवी आपका बहुत हाई जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए ऑडियंस आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको ऑडियंस को स्किप कर देना है। जो मेन चीज है वो है कीवर्ड, ठीक है। आपको कीवर्ड सेलेक्ट करना है और 1000 से 2000 कीवर्ड या फिर 500 से 1000 कीवर्ड आपको रखना है। अभी यहाँ से देखिए हम बैक करेंगे और अपने हम जो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा कीवर्ड यहाँ पर हमने लिख रखा है, इसे यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे कीवर्ड्स हैं भाई, आप देख सकते हो कितना सारा कीवर्ड यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो मैं इन सभी कीवर्ड्स को यहाँ पर देखिए सेलेक्ट आल पे क्लिक करता हूँ और इससे यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और बैक कर लेंगे। उसके बाद हम अपने गूगल एड्स पर आएंगे और जो कीवर्ड सेक्शन है वहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे अभी 120 मिलियन इंप्रेशन था, यहाँ पर एक घट के आप देखेंगे 4 मिलियन इंप्रेशन हो चुका है। तो आप देख सकते हो भाई ये बहुत ही आप देख सकते हो यहाँ पर इंप्रेशन बहुत ही अच्छा है। अभी इंप्रेशन और कम होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो मेन चीज आता है वो है, अभी एक चीज और याद रखिए यहाँ पर आपको टॉपिक और प्लेसमेंट को छोड़ देना है। अगर आप इसे सेलेक्ट करोगे भाई सीपीवी बहुत हाई जाने वाला है, ठीक है, तो इसे भी आपको स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक करना है, यूट्यूब पर आपको आना है और आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करके अपने चैनल का नाम लिखना है। मेरे चैनल का नेम सॉरी यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ काम का यूट्यूबर, ठीक है, काम का यूट्यूबर यहाँ पर मैं लिखता हूँ और सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे हम सर्च कर लेंगे। उसके बाद आप जिस भी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हो उसकी वीडियो के लिंक को आपको कॉपी करना है और यहाँ से आपको बैक करके फिर से आपको अपने गूगल एड्स पर आ जाना है और यहाँ पर आपको अपनी वीडियो के लिंक को पेस्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपसे दो ऑप्शन दिए आते हैं, स्किपेबल का और इन फीड का, तो आपको इन फीड को ही सेलेक्ट करना है। अगर आप स्किपेबल सेलेक्ट करेंगे तो याद रखिए सीपीवी बहुत हाई जाने वाला है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर आप मेरा थोड़ा इंप्रेशन कम हुआ है, 3.7 मिलियन इंप्रेशन हो चुका है। आप याद रखें अब आप सभी चीज़ों को भूल जाओ, ठीक है। अभी यहाँ पर सीपीवी का जो काम है वो चालू होगा, ठीक है। आप थोड़ा नीचे यहाँ पर आएंगे तो जो गूगल एड्स है वो बोल रहा है कि आपको यहाँ पर जो 0.54 रखना होगा, ठीक है, तो हम इसे अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर आप सभी चीज़ों को पहले भूल जाइए, हर एक चीज़ को आप भूल जाइए, ठीक है। ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि जो लेफ्ट साइड में आपको जो योर एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस दिख रहा है ये आप देखिए, प्लस जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सीपीवी बिट, जो हम बिट रखे हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पर जैसे हमने 54 रुपया रखा, मतलब 54 पैसे हमने यहाँ पर रखा है, तो आप यहाँ पर देखें हमारा जो व्यूज है वो हमको जो मिलेगा वो 50 से 240 व्यूज यहाँ पर मिलने वाला है और 1200 से 8000 यहाँ पर हमारा इंप्रेशन जा रहा है। तो याद रखें अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसे 0.10 करना है, सॉरी हमने यहाँ पर 10 कर दिया, तो हम क्या करते हैं 0.10 रखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा एस्टिमेट परफॉर्मेंस जा रहा है वो 130 व्यूज से लेके 500 जा रहा है और इंप्रेशन हमारा 2620 जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर बढ़ चुका है, ठीक है, बढ़ चुका है। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसे कर लेते हैं 12, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो इंप्रेशन वो और ज़्यादा हो चुका है, 2800 से 22000 हो चुका है और 130 से 520 हमें मिलने वाला है। फिर हम देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे, 15 कर देते हैं। आप यहां पर देखेंगे हमारा इंप्रेशन और थोड़ा सा इंप्रेशन कम हुआ है और व्यूज भी हमारा यहां पर कम हुआ है, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सी बेकार है, खराब है, ठीक है। हम यहां पर करते हैं 20, हमने 20 किया, आप देखें यहां पर हमारा इंप्रेशन और कम हुआ है, व्यूज हमारा और कम हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहां पर हम 12 ही रखते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए हमने 12 किया, आप देखिए यहां पर हमें अच्छा व्यूज मिल रहा है, 130 व्यूज मिल रहा है और 2800 से 22000 हमारा इंप्रेशन जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया ना, आपको जो ये बता रहा गूगल एड से बता रहा है कि आप 0.54 रखें, नहीं रखना है आपको, बहुत कम आपको रखना है, आपको 0.10 रखना है, 0.12 जितना आप यहां पर इसको आप बदलते रहें, जो आपका बिड है इसे आप स्टार्ट करें 0.10 से, ठीक है। उसके बाद आप इसे 11 करें, फिर आप इसे 12 करें और आप इस चीज को देखते रहें, यहां पर जो ये एस्टिमेट परफॉर्मेंस है इसे आप यहां पर ध्यान रखें कि ये हमें ज्यादा दे रहा है या कम दे रहा है। अगर ये ज्यादा दे रहा है तो याद रखें, बोल लोग कहते हैं भाई इतना कम रखोगे तो हमारा तो भाई कैंपेन रन ही नहीं होगा। मैं आपको बता दूं रन होता है मगर थोड़ा सा टाइम लेता है, ये मिनिमम आपका 2 से 3 दिन ले सकता है कैंपेन रन होने में, बट 100% रन होगा, सिर्फ आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और गूगल एड्स से भी एक बार अप्रूव कर दिया ना 100% जो भी यहां पर ये बताता है ना फेक नहीं होता, ये ओरिजिनल होता है, ये आपको व्यूज मिलेगा। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सभी चीज़ों को आपको फिलअप करना है और जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि आपको कम से सीपीवी स्टार्ट करना है और आपको सिर्फ बिड पर और एस्टिमेट परफॉर्मेंस पे आपको ध्यान रखना है। जब आप इतना ध्यान रखते हैं उसके बाद आप सब कुछ यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं,
नीचे जो आपको क्रिएट कैंपेन का जो बटन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना। सो फाइनली हमारा एड यहाँ पर लग चुका है। अब हमारा एड यहाँ पर रिव्यू के लिए जा चुका है। जैसे हमारा एड रिव्यू हो जाता है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले तो पेशेंस रखना है, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, मिनिमम आपको 5 डेज का पेशेंस रखना है। आप देखेंगे कि आपका एड यहाँ पर रन होने लगा है, आपको व्यूज और सब्सक्राइबर मिलना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप देखते हैं कि आपको 20 से 30 व्यूज पर डे मिलने लगा है, अगर आपको लगता है कि हमें व्यूज ज़्यादा मिल रहा है हमारे कोस्ट के हिसाब से, तो आपको करना क्या है, इस सीपीवी को आपको कम करते रहना दो दो करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने 10 कर दिया है, जिसे आपका 10 में भी लगता है कि व्यूज आपको ज़्यादा मिल रहा है तो फिर आपको इसे एडिट करना है, आपको इसे 0.08 रख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी सीपीवी को घटाते रहना है और आपको यहाँ पर व्यूज मिलता रहेगा। इसी तरीके करते करते आपका 0.02 पहुँच जाएगा और आप देखेंगे आपको और ज़्यादा व्यूज मिलेगा और ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेगा। तो इस तरीके दोस्तों आप गूगल एड्स का यूज़ करके बहुत ज़्यादा व्यूज सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकते हैं कम से कम रुपये में। तो जाइए इसका यूज़ करें। चलिए मिलते हैं वीडियो में।